गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? तो अभी जैसे आपको बोला था कि अभी 11th क्लास की क्लासेज बायोलॉजी की, मैथ की, फिजिक्स की, केमिस्ट्री की, ऑलमोस्ट सभी सब्जेक्टों की स्टार्ट कर चुके हैं आपने। अभी अपने कंपलसरी क्लास शुरू करने जा रहे हैं आज। तो चाहे वो आर्ट्स का बच्चा है, साइंस का है, कॉमर्स का है, एग्रीकल्चर का है, हिंदी मीडियम का है या इंग्लिश मीडियम का है, मैं दोनों ही बहुत मतलब बायलिंगुअल लैंग्वेज में मैं आपसे बात करूँगा, ठीक है? दोनों लैंग्वेज में, इंग्लिश है या हिंदी है। और बाकी जो सब्जेक्ट्स हैं आपके आर्ट्स में हैं या साइंस में, उन सभी सब्जेक्ट के साथ इंग्लिश सब्जेक्ट आपके लिए एक बैकबोन का काम करेगी। ये बैकबोन है इंग्लिश आपके लिए, ठीक है? और इंग्लिश के अंदर जितने भी टॉपिक्स हैं उनके साथ टेंथ जो अपने टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं वो सभी टॉपिक्स की बैकबोन, ठीक है? अब अपने टेंथ जो आप 10वीं क्लास तक पढ़े हैं उन्हीं को अपने आगे कंटिन्यू रखेंगे, उन्हीं को लेकर चलेंगे, लेकिन थोड़ा स्टैंडर्ड और थोड़ा जो मेटीरियल होगा वो थोड़ा चेंज होगा। समझ पा रहे हैं मेरी बात को? और अपने उन चीजों को बड़ी आराम से धीरे धीरे और डेप्थ में जाकर पढ़े। तो मैं आपका ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करता हुआ, मैं युवराज से अभी अपने इसको शुरू करते हैं। तो देखो टेंस, अब मेरा पहला क्वेश्चन ये है कि बच्चों से जब ये पूछा जाता है कि टेंस के टाइप्स कितने होते हैं, तो बच्चा ये बताएगा कि सर थ्री टाइप्स, प्रेजेंट एंड पास्ट एंड थर्ड विनेस। लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों और मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, अब मेरी बात को ध्यान रखें। जैसे आगे जो इंग्लिश एडवांस इंग्लिश आ रही है उसके अंदर टेंस दो टाइप्स के बताए, ठीक है ना? अभी उनको अपने डिस्कशन करते हैं कैसे। देखो, जैसे पहला होता है इंडिपेंडेंट टेंस। अब इंडिपेंडेंट टेंस के अंदर एक तो प्रेजेंट टेंस आएगा और दूसरा पास्ट टेंस आएगा। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन होगा कि सर प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस इंडिपेंडेंट कैसे? इसलिए इंडिपेंडेंट है क्योंकि ये दोनों टेंस किसी के ऊपर डिपेंड नहीं है, ठीक है? जो भी अपने इसके अंदर लिखते हैं, जो भी अपने इसके अंदर को भी वाक्य फ्रेम करते हैं, कुछ सेंटेंस फ्रेम करते हैं, तो अपने आप में ये डिपेंड होते हैं, किसी के ऊपर डिपेंड नहीं हो रहा, ठीक है? उसके बाद अपने बात करते हैं डिपेंडेंट टेंस, फ्यूचर टेंस को बोला जाता है क्योंकि फ्यूचर टेंस है जो सिचुएशन और कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है? जो फ्यूचर टेंस जो है वो सिचुएशन और कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है। प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस के लिए कोई सिचुएशन कोई कंडीशन नहीं है, फ्यूचर टेंस के लिए एक सिचुएशन और कंडीशन होती है, ऐसा होगा ऐसा हम करेंगे, लेकिन कोई काम का पक्का नहीं है। इसीलिए ये जो टेंस होता है वो क्या होता है, डिपेंड होता है। अब पहला अपने उठाते हैं प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट टेंस उठाते हैं। अब अपने प्रेजेंट टेंस के बारे में बहुत डिटेल है, कम से कम 3 से 4 वीडियो में इस टेंस को अपने कंप्लीट करेंगे। आपने आगे इसको कैसे डिवाइड किया हुआ, कैसे इसको फ्रेम किया हुआ वो अपने देखते हैं। पहला है प्रेजेंट टेंस का पहला पार्ट है सिंपल प्रेजेंट टेंस, ठीक है? इसको सिंपल प्रेजेंट टेंस बोला जाता है, ठीक है? सिंपल प्रेजेंट टेंस। दूसरा ठीक है, अब अपने बात करते हैं प्रेजेंट टेंस के बारे में। इनको सिंपल प्रेजेंट टेंस भी बोला जाता है, इंडेफिनिट टेंस भी इसी को बोला जाता है, ठीक है? सेकंड में बात करें प्रेजेंट कंटीन्यूअस या इसी को प्रोग्रेसिव या इसी को इम्परफेक्ट बोला जाता है। ये तीनों के तीनों जो सिंपल प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है ये इसके क्या है, सिनोनिम्स है, ठीक है? प्रोग्रेसिव इम्परफेक्ट टेंस इसी को बोला जाता है। थर्ड वन इज प्रेजेंट परफेक्ट, तीसरा पार्ट है इसका प्रेजेंट परफेक्ट, चौथा है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस, ठीक है? प्रेजेंट टेंस की अपने बात कर चुके हैं, प्रेजेंट इसके बारे में बात कर चुके हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और चौथा है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस। अब सेकंड बात करते हैं अपने पास्ट की, पास्ट टेंस। इसके भी जो पार्ट्स होते हैं, पहला है पास्ट सिंपल, पास्ट कंटिन्यूस, पास्ट
थर्ड वन इज पास्ट परफेक्ट, फोर्थ वन इज पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब ध्यान दीजिएगा, अपने प्रेजेंट की बात की, अब अपनी बात करते हैं पास्ट की। तो पास्ट का पहला होता है पास्ट सिंपल, सेकंड वन इज पास्ट कंटिन्यूअस, थर्ड वन इज पास्ट परफेक्ट और फोर्थ वन इज पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है, अब मेरी एक बात आप ध्यान से सुनिएगा। पास्ट टेंस जो अपने कर रहे हैं, इसके जो पार्ट्स लिखे हैं पास्ट सिंपल, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। आप एक मेरी बात ध्यान दीजिएगा, चाहते हैं आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस लिखें, चाहे पास्ट कंटिन्यूअस हो या फ्यूचर कंटिन्यूअस हो, इन तीनों में एक चीज सेम करेगी, आईएनजी। आईएनजी सभी कंटिन्यूअस में आईएनजी आएगा और जितने भी परफेक्ट आएंगे उनमें सभी में क्या आएगा, थर्ड फॉर्म। ये चीजें सभी में सेम चलेगी, आगे अपने इसको डिटेल से पढ़ेंगे। अब आगे देखो, फ्यूचर की बात करें अपने, फ्यूचर फ्यूचर फर्स्ट वन इज सिंपल फ्यूचर, सेकंड वन इज फ्यूचर कंटिन्यूस, थर्ड वन इज फ्यूचर परफेक्ट, और फोर्थ वन इज फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब अपने तीनों टेंस के बारे में जो अपने को पढ़नी है चीजें वो अपने लिख चुके हैं, सिंपल फ्यूचर, फ्यूचर कंटिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। ठीक है, दीज आर पार्ट फॉर फ्यूचर टेंस। वी डिस्कस अबाउट टेंस प्रेजेंट एंड पास्ट एंड थर्ड वन इज फ्यूचर। वी डिस्कस अबाउट ऑल द टेंस पार्ट्स, फ्यूचर सिंपल, फ्यूचर कंटिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट एंड थर्ड वन इज फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। नेक्स्ट अपने बात करते हैं, जो अपने अब जो बात करने जाएंगे, एक अभी अपने एक टेबल को फ्रेम करेंगे और उस टेबल के साथ जितनी स्ट्रक्चर है, जितनी टेंस की स्ट्रक्चर अपने करेंगे, चाहे प्रेजेंट की है, चाहे पास्ट की है, चाहे फ्यूचर की है, वो सारी की सारी अभी जो टेबल मैं आपको समझाऊंगा उसके अंदर सारी की सारी जो स्ट्रक्चर है वो उसके अंदर आ जाएगी। तो ध्यान रखिएगा, आपको सभी की सभी टेंस की स्ट्रक्चर जो है वो आपको पता चल जाएगी। इन्हीं इसी टेबल से जितनी भी आपने स्ट्रक्चर टेंस की करनी है वो सारे के सारे इसी टेबल से होगी। और ध्यान दीजिएगा, इस टेबल को करने के बाद आपको कई कंफ्यूजन होगा, आपको लगेगा सर ये चीज हमने ऐसे पढ़ी है और ऐसे हमको पढ़ाई है, वो मेरे को नहीं पता भाई आपने क्या पढ़ा, लेकिन मैं जो बता रहा हूँ वो 100% सही है। किसी भी ढंग से, किसी भी बढ़िया चीज से पूछूंगा वो ये बताएगा। अब देखो, अगर बात करें बी की बात करें, अब बी की फैमिली क्या होती है, अब अपने बात करें बी की क्या फैमिली होती है, तो ध्यान दीजिएगा इस एम आर ये बी की फैमिली है, वोस वर ये बी की फैमिली है, ये इज एम आर की सेकंड फॉर्म वोस वर, तो वेरी बात उस पर बी ये थर्ड फॉर्म। ठीक है, यानी कि इज एम आर फर्स्ट फॉर्म, वोस वर सेकंड, बी थर्ड और बी प्लस आई एन जी ये फोर्थ। जब किसी के साथ आई एनजी लग जाता है वो हमेशा दो फॉर्म होती है। ठीक है, अब दोबारा देखो, इज एम आर ये भी बी की फैमिली, वोस वर ये भी बी की फैमिली। ठीक है, उसके बाद थर्ड फॉर्म बी और फोर्थ फॉर्म बी प्लस आई एनजी।
यहाँ आइएगा, यहाँ थोड़ी आपको कंफ्यूजिंग होगी। डू, डू की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है? मैं जानता हूं इससे पहले आप यही बताओ और आप यही बोलेंगे कि सर डज। जिसने भी आपको, जिस टीचर्स, मैं किसी टीचर्स की गलती नहीं निकाल रहा हूं, उसको गलत साबित नहीं कर रहा हूं, लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, डज जो होती है वो फर्स्ट फॉर्म कभी नहीं होती। सर मेरी बात, डज कभी फर्स्ट फॉर्म नहीं होती। डू फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म डिड, थर्ड फॉर्म डन, और फोर्थ होता है डूइंग, डू प्लस आईएनजी डूइंग, और थर्ड फॉर्म होती है डज। एक बात ध्यान रखिएगा, अपने दिमाग में बैठा कर रखिएगा, जिस किसी भी वर्ब के साथ एस या ईएस लग जाता है वो फर्स्ट फॉर्म नहीं होती, दिस इज द फिफ्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब। समझ मेरी बात, ध्यान दीजिएगा कि एस या ईएस लगने से ये जो डज है वो फर्स्ट फॉर्म नहीं है, ये फिफ्थ फॉर्म है। अब थोड़ा इधर आइए, हैव। अब आपसे पूछा जाएगा कि सर बताओ कि हैव की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है, तो आप बताएंगे हैज। हैज का भी फर्स्ट फॉर्म नहीं होती। तो मैंने आपको यहां बताया जब किसी वर्ब के साथ एस या एस लग जाता है तो वो कौन सी फॉर्म होती है, तो वो फिफ्थ फॉर्म होती है। और हैज कौन सी फॉर्म होगी, तो वो हैज क्या होगी, फिफ्थ फॉर्म ही होगी। फर्स्ट हैव, सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ हैविंग, हैव प्लस आईएनजी दैट इज कॉल्ड हैविंग, तो उसको क्या बोलते हैं अपने, हैविंग फोर्थ फॉर्म। और हैव प्लस एस या एस हैज की होगी फिफ्थ फॉर्म। तो डियर स्टूडेंट्स, आपको कोई भी मतलब कंफ्यूजन लगे या कोई भी आप लगे, तो एक अच्छे राइटर्स की बुक पढ़े, एक अच्छे टीचर्स की गाइडलाइन से पढ़े, तो आपको पता चलेगा कि वास्तव में हैज कौन सी फॉर्म है, डज कौन सी फॉर्म है। तो आप फिर मेरे से क्वेश्चन कीजिएगा, और मैं आपको बता दूं जो आपने टेबल बनाई है इस टेबल से आपका सब कुछ होगा। नरेशन करोगे, वॉइस करोगे, जितने भी आप टॉपिक्स करोगे इस टेबल का बहुत बड़ा उसके अंदर कंट्रीब्यूट होने वाला है, ठीक है ना। ये आपकी टेबल होती है, ये आपकी बी की फैमिली, ये डू की फैमिली, और ये आपकी हैव की फैमिली, ठीक है ना। अब ध्यान दीजिएगा कि जब किसी वर्ब के साथ आईएनजी लग जाए तो वो फोर्थ फॉर्म होगी, जब किसी वर्ब के साथ एस या एस लग जाए तो वो वर्ब की फिफ्थ फॉर्म होगी। अब अपने टेंस को थोड़ा स्टार्ट करें, सिंपल प्रेजेंट टेंस की अपने बात करें, सिंपल प्रेजेंट टेंस की बात करें तो इसकी स्ट्रक्चर इस तरह है। पहला है अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव नेगेटिव, ठीक है, इंट्रोगेटिव नेगेटिव, डबल एच वर्ड इंट्रोगेटिव और डबल एच वर्ड इंट्रोगेटिव नेगेटिव, अपने ये स्ट्रक्चर्स पढ़नी है, ठीक है। इंट्रोगेटिव नेगेटिव का, इंट्रोगेटिव का साइन आपको पता इस तरह का होता है, ये आपका साइन चलेगा, ठीक है। जब भी आप इंट्रोगेटिव सेंटेंस करेंगे तो आपका वहां पर साइन चलेगा इंट्रोगेटिव का। तो यहाँ पर अपने इन स्ट्रक्चर्स के साथ अपने को इन जो ये अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव नेगेटिव और डबल एच वर्ड इंट्रोगेटिव और डबल एच वर्ड इंट्रोगेटिव नेगेटिव के साथ, ध्यान दीजिए आज तक आप ये वर्ड बोलते हैं इंटरोगेटिव, बट इसका सही एक्चुअल में जो प्रोनंसिएट होगा वो होगा इंट्रोगेटिव। आपका इंग्लिश के अंदर प्रोनंसिएशन बहुत होना जरूरी है, ठीक है ना। ध्यान रखें, वर्ब के साथ आईएनजी फोर्थ फॉर्म, वर्ब के साथ एस या ईएस फिफ्थ फॉर्म, और सिंपल प्रेजेंट टेंस के बारे में बात की, स्ट्रक्चर ऑफ टेंस अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव नेगेटिव और डबल एच वर्ड इंट्रोगेटिव और डबल एच वर्ड इंट्रोगेटिव नेगेटिव, यहां तक की आज आपने बात की। अगर यहां तक की अगर आपको कोई डाउट होता है तो प्लीज आप अपना इस कॉन्टैक्ट में लिखे जरूर, कमेंट्स लिखे आपका, और मैं आपका रिप्लाई जरूर दूंगा। बाकी अपनी बात करते हैं नेक्स्ट डे, थैंक यू।